अगर मेरे पास फिर जीने के लिए मेरा जीवन होता तो मैं हर हफ्ते कम से कम एक बार कुछ कविताएं पढ़ने और संगीत सुनने का नियम बना लेता। जीत के लिए ढाल उतनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है जितनी तलवार या भाले की। मनुष्य और जानवरों के बीच सुख और दुख को महसूस करने की क्षमता में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। हमारी अज्ञानता को स्पष्ट रूप से समझना हमेशा उचित होता है। हम किसी भी महान परिवर्तन को स्वीकार करने में हमेशा धीमे होते हैं, जिसके बीच के कदम हमें दिखाई नहीं देते। एक वैज्ञानिक व्यक्ति के पास कोई इच्छा नहीं होती, कोई स्नेह नहीं होता, केवल पत्थर का दिल होता है। ब्रह्मांड के निर्माता और शासक मौजूद हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब कुछ उच्चतम बुद्धियों द्वारा सकारात्मक रूप से दिया गया है, जो भी अस्तित्व में थे। अज्ञान अक्सर ज्ञान की तुलना में आत्मविश्वास को जन्म देता है। यह वे हैं जो कम जानते हैं, ना कि वे जो बहुत कुछ जानते हैं, जो इतने सकारात्मक रूप से दावा करते हैं कि वह सामान्य विज्ञान द्वारा कभी नहीं हल होंगी। अगर गरीबों का दुख प्रकृति के नियमों से नहीं बल्कि हमारी संस्थाओं के कारण होता है तो हमारा पाप महान है। हमने अपने बिस्तर के नीचे राक्षसों की तलाश करना बंद कर दिया है, जब हमें एहसास हुआ कि वे हमारे अंदर हैं। सभी जीवित प्राणियों के लिए प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुण है। एक अमेरिकन बंदर बीड़ी के नशे में होने के बाद इसे फिर कभी नहीं छुएगा और इस तरह अधिकांश पुरुषों की तुलना में अधिक समझदार है। मनुष्य केवल अपने अच्छे के लिए चयन करता है, प्रकृति केवल उसके लिए है जिसे वह पसंद करती है। हमारी अज्ञानता को स्पष्ट रूप से समझाना हमेशा उचित होता है। कभी कभी ज्ञान की उपेक्षा अज्ञान अधिक बार आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। जहां भी यूरोपियन लोग थे, मृत्यु आदिवासियों का पीछा करते हुए प्रतीत होती थी। एक आदमी जो एक घंटे का समय बर्बाद करने की हिम्मत करता है, उसने जीवन के मूल्य की खोज नहीं की है। नैतिक संस्कृति में उच्चतम संभव चरण वह है जब हम पहचानते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रण करना चाहिए। पशु जिसे हमने दास बनाया है, हम उसको अपनी समानता पर विचार करने के लिए पसंद नहीं करते हैं।